तो क्वेश्चन है मेरा, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर हैज इट्स कॉर्नर्स कट ऑफ टू फॉर्म अ रेगुलर हेक्सागन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। ओके, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीन साइड इक्वल होता है, तीनों साइड का दिया है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, और उसका कोना में कट कर रहा है, यानी कि तीनों साइड में कोना में कट कर रहा है, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया और यहाँ पे कट किया। ओके, अब ये अंदर का जो है हेक्सागन बन गया। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे हेक्सागन का साइड चाहिए। देखिए ये पूरा तीनों क्या है, छः, ये भी तीनों क्या है, छः, तो इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ दो 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 में। ओके, ये भी छः पूरा, तो इसको भी दो 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 में डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये जो हेक्सागन का एक साइड आया वो क्या आया, दो आया, यानी कि हेक्सागन का जो साइड आया वो क्या आया, दो आया सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया का फॉर्मूला क्या, हेक्सागन का एरिया 3√3/2/साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड स्क्वायर क्या है, डायरेक्ट यहीं पे लगा देता हूँ। ओके, ये जो ए स्क्वायर क्या है, इसी में लगा देता हूँ। तो यहाँ पे साइड स्क्वायर क्या है, 2 है, तो दो बार, तो ये टू कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 2 6, √3 मेरा क्या होगा, आंसर होगा। थैंक यू।